पुरानी जिंदगी नई जिंदगी बनकर वापस आती है। देखो देखो कृष्ण, काश पापा यहां होते। वो यही है, मैंने हमारी बेटी का नाम रोहित रखा। राकेश रोशन को किस चीज का एडवांस मिला था राकेश को? 2003 में आई कोई मिल गया के बाद 2006 में आया इसका सीक्वल क्रिश एक ब्लॉकबस्टर हिट रहा था, जिसमें ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदारों में थे। क्या आप जानते हैं कि ऋतिक और उनके पिता फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन चाहते थे कि यह फिल्म भारत में एक ट्रेंड सेटर बने, जिसके विजुअल इफेक्ट्स किसी हॉलीवुड फिल्म से कम ना हो। यही नहीं, इसके अलावा और भी ऐसी कई बातें हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। आइए उन बातों पर करते हैं आज बात। राकेश रोशन को फिल्म से काफी उम्मीदें थी, जिनमें से ये भी थी कि उनका मानना था बॉलीवुड की यह पहली फिल्म होगी जो साबित करेगी कि हॉलीवुड और इंडियन सिनेमा एक बराबर है। हालांकि फिल्म की शूटिंग के लिए जरूर राकेश रोशन ने फौरन का रुख लिया। क्या आप जानते हैं कि फिल्म की कई हिस्सों की शूटिंग सिंगापुर में की गई थी? फिल्म की कहानी में हिंदू धर्म, एशियन भारतीय भाषा, चाइनीज मार्शल आर्ट्स और हॉलीवुड फिल्मों जैसा सेटअप था, जिसने इसे बड़े लेवल पर पहचान दिलाई। फिल्म के लिए डायरेक्टर राकेश रोशन ने हांगकांग के डायरेक्टर टोनी चिंग को फिल्म के लिए चुना, जिसके लिए फिल्म का एक स्टोरी बोर्ड उन्हें भेजा गया ताकि वे तैयार कर सके। फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन को काफी चोटें आई, पर वह डटे रहे। यह पहली इंडियन फिल्म थी जिसे प्रोडक्ट, एड्स, म्यूजिक और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए एडवांस में पैसे मिले। ये तो बात हुई उसके दूसरे पार्ट की। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट भी बना, जिसकी सफलता के बाद अब फिल्म के चौथे पार्ट पर भी काम हो रहा है। जी हाँ, बच्चों का फेवरेट सुपर हीरो क्रिश एक बार फिर लौटने को तैयार है और इस बार उसके साथ उसका जादू भी होगा। हालांकि आपको बता दें कि पहले पार्ट से उल्टा जादू का किरदार इस बार नेगेटिव होगा, जो कृष्ण और उसके पिता रोहित से अपनी पावर्स वापस लेने आएगा। दरअसल जिस तरह की कहानी लिखी गई है, उसके मुताबिक कहानी में पहले पार्ट के आगे को दिखाया जाएगा, जहां जादू अपने प्लेनेट वापस जाने के बाद भड़का दिया जाता है और इसलिए ही अब वो बदला लेने धरती पर वापस आएगा। लेकिन क्या वह इस मिशन में सफल होगा या नहीं? क्या एक बार फिर जादू पहले जैसा बन पाएगा? यह जानने के लिए आपको फिलहाल इंतजार करना होगा हमारी आने वाली वीडियोस का। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और लेटेस्ट फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर।